एक टाइम पे अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच चल रही कोल्ड वॉर इस लेवल पे पहुंच गई थी कि अमेरिका ने अपने लोगों को खुश करने के लिए मून में एक न्यूक्लियर टेस्ट भी प्लान कर लिया था। इसकी शुरुआत हुई थी अक्टूबर 4, 1957 में, जब पहली बार इंसानों के द्वारा बनाई गई मैनमेड सैटेलाइट स्पुतनिक 1 स्पेस में भेजी गई थी और इसे भेजा था सोवियत यूनियन ने। इस खबर के दुनिया में फैलते ही दुनिया को लगा कि सोवियत यूनियन कोल्ड वॉर में अमेरिका से बहुत आगे निकल चुका है। अमेरिका का कहना था कि मून में एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कराने से मून का एक छोटा हिस्सा डस्ट में बदल जाएगा और इससे हमें मून के सर्फेस के बारे में जानने में मदद मिलेगी। लेकिन अंदर ही अंदर अमेरिका ये चाहता था कि मून का न्यूक्लियर एक्सप्लोजन अर्थ से भी देखा जा सके। इस प्लान को एक्सप्लेन किया गया अमेरिका के फिजिसिस्ट लेनार्ड रफेल को और इस मिशन का नाम रखा गया प्रोजेक्ट A119। लेनार्ड रफेल और डिफरेंट साइंटिस्ट की रिसर्च से यह पता लगा कि मून में एक्सप्लोजन तो होगा लेकिन वो कभी भी सीधा अर्थ से दिखाई नहीं देगा क्योंकि मून में एटमॉस्फेयर नहीं है, इसीलिए मून में इस तरह का मशरूम क्लाउड कभी बनेगा ही नहीं। लेकिन उसके बाद भी अमेरिका यह मिशन करना चाहता था, पर बिना किसी एक्सप्लेनेशन के 1959 में इस मिशन को रद्द कर दिया गया।